इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में देखा जाए तो ऐसे कई लोग हैं जो कि तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं उन्हीं में से एक है डिप्रेशन। जी हाँ, आज के समय में डिप्रेशन ज़्यादातर लोगों में देखा जाता है। तनाव की वजह से लोग इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे में डिप्रेशन से निजात पाने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही उपाय जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इन दिनों अधिकतर लोग डिप्रेशन अवसाद की गिरफ्त में कैद होते जा रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के तनाव से हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। ऐसे में आपको बता दें कि कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो कभी काम का दबाव, तो कभी प्यार या रिश्ते में धोखा मिलना। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। डिप्रेशन से जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें किस तरीके से इस समस्या से छुटकारा पाना चाहिए, तो वहीं आपको बता दें कि किशोर, युवा, प्रौढ़ उम्र के किसी भी अवस्था में ये हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन दिनों ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है और दुनिया में देखा जाए तो अवसाद सबसे बड़ी दूसरी बीमारी बन सकती है। डिप्रेशन में इलाज के तौर पर मनोविशेषज्ञ की सलाह लेने और दवाइयों का सेवन करने से पहले आपको कुछ घरेलू तरीके भी अपना लेने चाहिए जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये घरेलू उपाय भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि डिप्रेशन और तनाव से उभरने के लिए आप हल्दी और नींबू का सेवन कर सकते हैं, जो कि बेहद ही सहायता करता है। दरअसल आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक सामने आया है कि हल्दी अल्जाइमर और कैंसर की तरह ही डिप्रेशन के लिए बेहद ही असरदायक होती है। ऐसे में इसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व, एंटीबायोटिक और एंटी डिप्रेसमेंट तत्वों से भरपूर होती है, जिसका फायदा डिप्रेशन में मिलता है। यदि डिप्रेशन से जूझने की वजह से आप परेशान हैं, आप टेंशन में हैं, तो आप हल्दी और नींबू का उपयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी असरदायक होता है। आप इन दोनों का मिश्रण इस तरीके से तैयार कर सकते हैं जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें आपको कि एक जग में 4 कप पानी लेकर आप एक नींबू का रस इसमें डालें। इसमें 2 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर और 4 बड़े चम्मच शहद मिक्स कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो शहद की जगह मेपल सिरप भी इसमें डाल सकते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। बता दें आपको कि इस मिश्रण को दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। इसका सेवन करना आपके डिप्रेशन को कम करता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अक्सर लोगों के जीवन में डिप्रेशन आ ही जाता है, लेकिन इससे हार नहीं माननी चाहिए। डिप्रेशन की वजह से इंसान उस हद तक पहुंच जाता है कि वो खुद को इस दुनिया से अलविदा कहने की भी सोच लेता है। इस स्थिति से आपको लड़ना चाहिए। ये कठिन लड़ाई होती है और ये मुमकिन है कि आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। समय रहते इसका निवारण खोजने की आप कोशिश कर सकते हैं। वहीं इसके लिए मेडिकल और डॉक्टरी इलाज की सहायता भी ली जा सकती है और इस बीमारी से आप जल्द से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था डिप्रेशन के इलाज का एक घरेलू उपाय जिसकी मदद से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी इस आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।